बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा कंवल जवादर आई हैं और मैंने अपना MBBS, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगी। मैंने अपना MBBS जामशोरो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से किया है। आफ्टर डिड माई MBBS आई डिड माई डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी, जो कि मेरी स्पेशलिटी भी है। वो मैंने हैदराबाद इसरा यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से कम्प्लीट किया। आफ्टर दैट आई डिड सो मैनी कोर्सेज इन लाइक एस्थेटिक्स, लेज़र्स एंड लाइक एस्थेटिक्स की, लेज़र्स की जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, इनमें भी फर्दर मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए, डिफरेंट वर्कशॉप्स किए हैं। उसके अलावा मैं मेम्बर हूँ यूरोपियन एस्थेटिक सोसाइटी की, मैं मेम्बर हूँ अमेरिकन एस्थेटिक सोसाइटी की, और यहाँ लाहौर में मैं DHA में मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है इन द बेसमेंट ऑफ रशीद हॉस्पिटल। इसके अलावा मैं मजंग में फैमिली हॉस्पिटल में भी 3 डेज़ लाइक OPDs करती हूँ, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। और पैरागॉन सिटी लाहौर से आई होप कि आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, वहाँ क्योंकि मेरी रिहाइश भी है तो वहाँ एक अलहादी सेंटर है, वहाँ भी मैं पूरा वीक ऑलमोस्ट 8 to 10 अवेलेबल होती हूँ इन अलहादी मेडिकल सेंटर। डर्माटोलॉजी के मुतालिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डर्माटोलॉजी एक्चुअली व्हाट इज़ डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, मींस आपके टिप्स टो से लेकर टिप टो, ओवरऑल बॉडी को कवर करती है। आपकी कोई भी स्किन डिजीज़ हो, आपके हेयर से मुतालिक, आपकी स्किन से मुतालिक, आपके नेल्स से मुतालिक, कोई भी किसी भी किस्म का स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर्स प्रॉब्लम हो, नेल्स का कोई इशू हो, कोई इन्फेक्शन बॉडी में रन कर रहा हो, उन सब को डर्माटोलॉजी कवर करती है। दूसरी चीज़ है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटिफिकेशन को कवर करती है, लाइक आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं एंड इफ़ यू वांट कि वो फाइन लाइंस ख़त्म हो और हमें यंग लुक आनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, लाइक बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, आप PRP करवा सकते हैं फेस की, लेज़र करवा सकते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटिफिकेशन को भी कवर करती है, और आपके ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आप डर्माटोलॉजी में कवर अप नहीं कर सकते, उन्हें हम एस्थेटिक्स की फील्ड में ला के कवर करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आप लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है, जो आजकल हमारी सोसाइटी का कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक नॉट ओनली इन लाहौर बट ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द एशिया, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है वो चल रहा है हेयर फॉल का। बाल क्यों गिरते हैं? बाल हमारे चेहरे की खूबसूरती होते हैं, हमारी बॉडी की खूबसूरती होते हैं। हम चाहते हैं हर ख़वातीन, इवन फीमेल हो, मेल हो, हर बंदा चाहता है उसके चेहरे पे खूबसूरत खूबसूरत से बाल हों, अच्छे से घने बाल हों। और हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम जो आजकल हम देखने में आ रहे हैं, जो हम लोग बहुत सारे केसेस हैं जिनसे हम लोग दिन रात डील करते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। देखिए, हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉजेज़ बताती हूँ, देन हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। लाइक कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई भी ऐसी इलनेस, लाइक आपको किसी भी किस्म का फीवर हुआ हो, लाइक टाइफाइड हुआ हो, मलेरिया हुआ हो, जिसमें आप 1 वीक से ज़्यादा आपने वो बीमारी को सफ़र किया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। उसमें मोस्टली इलनेसेस ही होती हैं, डिजीज़ ही होती हैं, फीवर होता है, आपका इम्यून सिस्टम होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बॉडी में डिजीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री रह चुकी हो आपकी, ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, और जो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं वो बाल गिरने का सबब होती हैं। अगर ये कॉज आपका नहीं है तो माइट भी आपको शौक हो बहुत ज़्यादा पतला होने का, सो दैट इज़ प्रोटीन डेप्रिवेशन। जहाँ आपकी बॉडी में से प्रोटीन का लॉस होगा वहीं हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एज यू नो, आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि ज़्यादती आप किसी भी चीज़ की करें, डाइटिंग का मकसद ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें, डाइटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो प्रोटीन डेप्रिवेशन इज़ वन ऑफ द कॉज, मेजर कॉज इन फैक्ट, कि वो हेयर फॉल का सबब बनता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं? एक्सेस आप लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयर्स की, लाइक हेयर डाई, केमिकल्स यूज़ करवाते हैं, कैरेटिन करवाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं बालों को, किसी भी किस्म का ऐसा केमिकल जो हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसे हमारे बालों में लगाना। और मैंने यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत ट्रेंड देखा है कि डाई के बगैर शायद ही कोई फीमेल हो,
ऑलमोस्ट 90% फीमेल्स के बाल डाई हुए हुए होते हैं, और डाई आपके बालों को डैमेज करता है, दो मुंह का करता है, ठीक है। जहाँ दो मुंह के बाल होंगे, जहाँ बालों में केमिकल लगेगा, डेफिनेटली वो गिरेगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारी फीमेल्स का ख़ास प्रॉब्लम है, आयरन नहीं होगा बालों को वो भी गिरेगा, ठीक है। जेनेटिकली माइट भी कोई प्रॉब्लम हो आपके साथ, लाइक फैमिली में कोई ऐसा रन कर रहा हो जेनेटिक, एंड हम कहते हैं जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अगर वो मेल्स में है तो उसमें मेल पैटर्न बैडनेस होती है, अगर वो फीमेल्स में है तो उसमें फीमेल पैटर्न बैडनेस होगी। लाइक मेल्स का ऊपर से क्राउन जाता है मोस्टली, जो फीमेल्स हैं उनमें थिनिंग हो जाती है हेयर्स की फ्रंट के, देन आपकी जो ये जो सेंटर पार्टिंग होती है ये डे बाई डे वाइड होती चली जाती है, ठीक है। तो ये जेनेटिक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है, ठीक है। देन हमारे पास एक होता है एलोपेशिया इरिएटा। इरिएटा क्या होता है एलोपेशिया, जिसमें से आपके बालों में आपको बकायदा फील होता है, पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन लेके हमारे सर पे पैच बन रहे हैं, लाइक वहाँ से बाल गायब हो रहे हैं, गंजेपन के पैचेस बन जाते हैं, जिसे बाल तोड़ भी कहते हैं, बाल झड़ भी कहते हैं, लोग अपनी लैंग्वेजेस में उसे डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है। वो भी इसी का एक कॉज है, लाइक एलोपेशिया इरिएटा के बाल मोस्टली ये होता है कि फिर उसके लिए थोड़ा सा रिकवरी करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट के लिए, अगर जितना अर्ली वो हमारे पास आके रिपोर्ट करेगा उतना अर्ली हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम उसे कवर कर सकें। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे पहले हम मेडिकल पर आते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें अपनी डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहली बात जो हम अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले आप डाइटिंग बंद करें। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट प्रोटीन डाइट्स को अपनी डाइट में ऐसे रखें कि आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को नुकसान ना हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। सेकेंडली, अगर आप किसी डिजीज़ के साथ सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको उसको कवर करना चाहिए, लाइक अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की कोई डिजीज़ है, कोई इम्यूनो डेफिशिएंट डिजीज़ है, लाइक किसी भी किस्म की कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उसको कवर करना चाहिए, ठीक है। ये देन हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं पेशेंट को कि उसके पेशेंट के सर में डैंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ एक मेन कॉज है हेयर फॉल का। डैंड्रफ के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले डैंड्रफ को ख़त्म करें। उसके अलावा अगर आपके बालों में जुएं या लीखें हैं तो वो भी हेयर फॉल करवाती हैं, उनका ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें ख़त्म करें, ठीक है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हम मल्टीविटामिन ऐड करते हैं बालों के लिए, और स्पेसिफिकली ऐसे ही टारगेटेड मल्टीविटामिन ऐड करते हैं जो बालों को टारगेट करें जाके स्पेसिफिकली, और आपके बालों को गिरने से रोकें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपको डैंड्रफ से प्रिवेंट करवा सकें, जो हेयर फॉल से प्रिवेंट करवा सकें। 3 months, 4 months के लिए हम अपने पेशेंट को मेडिकल ट्रायल पर रखते हैं, बहुत सारे पेशेंट उसी से रिकवर कर जाते हैं, बट अगर पेशेंट उससे रिकवर नहीं कर रहा है देन मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे पास और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आजकल बहुत एडवांस है स्कैल्प PRP, दैट इज़ प्लाज्मा रिच प्लेटिलेट्स। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, हार्मफुल नहीं है, हमने 10 cc और 15 cc स्ट्रेंज में ब्लड ड्रॉ करना होता है आपका यहीं OPD में, देन हम उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूजल मशीन में डालते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं। आप जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं, और ये 8 different types ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके बालों को गिरने से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, मैं बहुत डिटेल में इसकी नहीं जाऊँगी, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये प्लाज्मा निकाल के हम आपके सर में इंजेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को 3 to 4 ट्रीटमेंट्स में सूट करना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, बाल ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर 10 or 12 ट्रीटमेंट फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा हेयर फॉल है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये एक इतना अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास कि इसका कोई हार्म नहीं है, पेशेंट इससे बहुत सेटिस्फाइड है, और इसके हमने ड्रास्टिक रिजल्ट देखे हैं। लाइक आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आई शुड एडवाइस कि आप उस ट्रांसप्लांटेशन से पहले एक मरतबा PRP की तरफ ज़रूर आएँ। ट्रांसप्लांटेशन जितना एक्सपेंसिव नहीं है उतना ज़्यादा आपको, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जिनमें ट्रांसप्लांटेशन ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो PRP बहुत एडवांस और बड़ी अच्छी टेक्निक है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि होम रेमेडीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती, बिकॉज़ उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। आप अंडा लगाना चाहते हो, आप लगाओ, बिकॉज़ वो आपके बालों को प्रोटीन देता है, नरिश करता है बालों को, आप लगाएं वीकली। आप अगर प्याज का पानी लगाना चाहते हैं, आप वो भी लगाएं, क्योंकि वो भी आपके बालों के जो जो हेयर फॉलिकल है, यानी जहाँ से बाल बनता है, निकलता है, जो हेयर का सेल है, वो उसको स्टिमुलेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो हेयर ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। या जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, लाइक होम रेमेडीज़ में आप जो यूज़ करना चाहते हो, लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि जब तक आपके बालों के गिरने का कॉज ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपके बाल गिरना बंद नहीं होंगे। और कॉज आपको कौन निकाल के देंगे? हम लोग। किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसर्न करें, किसी भी आप लाइक हेयर स्पेशलिस्ट से कंसर्न करें, ये बहुत ज़रूरी है, कंसल्टेशन इज़ नेसेसरी, ओके। सो होम रेमेडीज़ बुरी नहीं होती, आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। मैं खुद भी इससे बहुत सफ़र कर चुकी हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि फ़ीमेल्स इसको लेके, इवन फीमेल्स मेल सब इस प्रॉब्लम को लेके बहुत सफ़र करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन इट मीन्स कि पिगमेंटेशन का ज़्यादा होना, हाइपर मीन्स एक्सेस। सो एनी एरिया ऑफ स्किन और नेल जो डार्क हो जाए, ठीक है, चाहे वो स्किन का एरिया हो, चाहे वो नेल का एरिया हो, वो डार्क हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिपॉजिट ऑफ मेलानिन। मेलानिन के एक्सेस डिपॉजिट की वजह से, ज़्यादा डिपॉजिशन की वजह से हमारी बॉडी का कोई भी एरिया अगर ब्लैक हो जाए, डार्क हो जाए, उसे हम एक्चुअली कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अब हर बंदा ये सोचेगा कि व्हाट इज़ मेलानिन। मेलानिन एक्चुअली वो नॉर्मल है हमारी बॉडी में प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी को कलर देता है, ठीक है, ब्राउन कलर देता है। जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन होगा वो उतना ज़्यादा डार्क होगा, जिसमें जितना कम मेलानिन होगा वो उतना ज़्यादा फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मेलानिन की ओवर डिपोजिशन किसी स्पेसिफिक एरिया पे, उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। हम इनके कॉजेज़ की तरफ आते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के कॉजेज़ क्या हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सनलाइट। हमारी जो फेस पर जो भी हमारा फेस है, बॉडी है, बॉडी का कोई भी एरिया अगर हाइपर पिगमेंटेड हो रहा है और हम लोग सन एक्सपोजर हमारा ज़्यादा है, तो मेलानिन जो है वो ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाता है बॉडी में सन एक्सपोजर की वजह से। जब मेलानिन ज़्यादा बनता है तो उसके डिपॉजिट से स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, और क्योंकि फेस मोर प्रोन होता है सन के लिए, हाथ हमारे मोर प्रोन होते हैं, तो इन जगहों पर डैमेजिंग ज़्यादा होती है। इन जगहों पर मेलानिन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन करवा देता है। तो सन का एक्सपोजर एक कॉज है इसका। स्किन में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइक आपको एक्नी हो, एक्नी ख़त्म हो जाए, ठीक है, और उसकी वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाएँ, लाइक किसी को इतनी वर्स एक्नी होती है कि वो स्पॉट्स छोड़ती है, हम खुद उसको छीलते रहते हैं, स्पॉट्स छोड़ती है, ठीक है, तो वो जो स्पॉट बनता है दैट इज़ ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है? जितनी ज़्यादा डार्कर स्किन होगी, जितनी ज़्यादा डार्कर टोन होगी, वो मोर प्रोन होगी कि उसमें उतनी ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे फेयर स्किन होगी वो मोर प्रोन होगी कि उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्रैकल्स हों, उतना ही ज़्यादा मेलाज़मा हो, ठीक है। तो टैनिंग ऑफ स्किन इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी स्किन आपका चेहरा आपको रिप्रेजेंट करता है, राइट। हम वो कहते हैं ना कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है, जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ना ही यूज़ हो, चिकन का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ ना करें, डब्बे के दूध इस्तेमाल ना करें जितना ज़्यादा हो सकता है। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, जितना हो सकता है आपसे आप अपनी स्किन को फ्रेश रखें, फ्रेश फ्रूट्स के ज़रिए, फ्रेश जूसेस के ज़रिए, ठीक है, स्किन, आपके बाल। और उसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इन केस ऑफ एनीथिंग, लाइक आप लोग अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ओलाडॉक पे अवेलेबल है।